देश में बहुत दिनों से बर्फ़ की इंतज़ार थी, बारिश की इंतज़ार थी, और उसमें आज बारिश होने से थोड़ा शिमला शिमला जैसे लगने लगा है। मित्रों, आज केंद्र सरकार का वोट ऑन अकाउंट यानी कि इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया, और वोट ऑन अकाउंट इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद ही ऐसी संभावना है कि लोकसभा के चुनाव की तारीखें तय हो जाएंगी। रेगुलर बजट, पूरा बजट भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का उसके पश्चात होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि उनके मजबूत नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और भारत के आगे बढ़ने के साथ साथ में भारत की प्रतिष्ठा विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान के साथ खड़ी हुई है। निश्चित रूप से सारी बात के लिए अगर श्रेय जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अपने इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात को अपने सामने रखा, राष्ट्र प्रथम, कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और उस दृष्टि से काम करते गए। जो जटिल काम थे, कठिन काम थे, एक एक करके उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहे। चाहे वो धारा 370 का हम जिक्र करें, चाहे भव्य मंदिर भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर बनना चाहिए ये हम कहते थे, उस कार्य की अगर हम बात करें, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाओं की बात करें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय नीति की बात करें, हर क्षेत्र में भारत ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और आज के वोट ऑन अकाउंट के प्रस्तुत होने के पश्चात इस बात के लिए भी आने वाले समय में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो मोदी जी ने कहा है कि वो मोदी की गारंटी है, उनको पूरा करने की दिशा में हम सफल होंगे। इन 10 वर्षों में जो पूरे होने जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। और जहां देश की आबादी लगभग 140 करोड़ की है, और निश्चित रूप से यह कठिन काम था, जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, बाहर निकालना, और स्वाभाविक रूप से जो गरीब कल्याण की योजना है उनका असर हुआ, उनका इम्पैक्ट रहा, और 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफलता हासिल की। और इस बात को भी हमको मान करके चलना पड़ेगा कि भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त
अनाज की सुविधा प्रदान करना ये भी एक बहुत बड़ा कार्य इस कालखंड में हुआ है। और जो बदस्तूर बिल्कुल जैसा था उसी तरह से चला हुआ है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात कहें तीन करोड़ से ज्यादा मकान बनकर के तैयार हुए और पांच वर्षों में आने वाले समय के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2 करोड़ मकान और गरीब लोगों को दिए जाएंगे, यानी कि भारत के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका अपना घर ही नहीं था। और आप इस बात को मान करके सहमत होंगे कि 3 करोड़ लोगों को अपना घर मिलना ये बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की अगर हम बात करें, जीएसटी कलेक्शन में भी बहुत बेहतरीन काम होते हुए आगे बढ़ा और आज जीएसटी कलेक्शन 2 गुना हो गया है, डबल हो गया है। इस बात का भी जिक्र आज के जो वोट ऑन अकाउंट आज प्रस्तुत किया गया है उसमें जिक्र हुआ है। 78 लाख लोगों को स्वनिधि के माध्यम से उनको लाभ दिया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी हमेशा करते रहे ग्रीन एनर्जी की, और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ में जो रूफ टॉप पर सोलर लगाने की योजना को 1 करोड़ घरों में इस योजना के माध्यम से सोलर पैनल के माध्यम से बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जिससे आने वाले समय में 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी, 300 यूनिट बिजली जो है वो कंज्यूमर को मिलेगी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक लक्ष्य है जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात कही है। और मोदी जी का कहना सीधी सी बात है कि गारंटी पूरा होने की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।